और बड़ी खबर आपको बता दें, इंदौर के बेलेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर में हुए हादसे में अब तक 34 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। बताया जा रहा है दो लोग अभी भी लापता है। राहत और बचाव के काम के लिए एनडीआरएफ के साथ साथ सेना के जवानों को भी लगाया गया है। हादसा रामनवमी के हवन के बाद कन्या पूजन के दौरान हुआ था। मंदिर में भीड़ ज्यादा थी, इसीलिए लोग बावड़ी की छत पर जा बैठे। एक साथ ज्यादा लोगों के चढ़ने की वजह से छत वजन नहीं उठा सका और ये छत गिर गई। लोग 40 फीट गहरे पानी में जा गए, जिसके बाद चारों तरफ चीख पुकार मच गई। बताया जा रहा है कि अभी भी कई लोग लापता हैं। जैसे ये जानकारी मिली, वैसे ही राहत बचाव कार्य को तेज किया गया। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में एक ऐसी घटना घटी है जिसने पूरे देश को शोक में डुबा दिया है। शुरू में खबर आई थी कि कुछ लोग जो मंदिर के ऊपर बावड़ी के ऊपर एक स्ट्रक्चर बनाया गया था, हवन पूजन में आखिरी आहुति दे रहे थे, उसी वक्त ये पूरा स्ट्रक्चर भर भरा कर गिर गया। और शुरू में खबर आई कि कुछ लोग घायल हुए हैं, 10-12-15 लोग गिरे हुए हैं जिन्हें निकाल दिया गया। लेकिन धीरे धीरे आंकड़ा मौत का भी सामने आने लगा। 3, 4, 6, 8, 10, 13 तक सूर्यास्त होते हुए तो खबर आ चुकी थी कि 13 लोगों की मृत्यु हुई है। जो झूलेलाल टेम्पल है जो इंदौर का पटेल नगर इलाके में, वहाँ 13 लोगों की मौत की पहले पुष्टि हुई थी। उसके बाद सेना ने इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को ज्वाइन किया और सेना के प्रयासों से 15 डेड बॉडीज़ को और निकाला गया, जो काफ़ी शॉकिंग था हर किसी के लिए। तो इंदौर शहर में काफ़ी मातम जैसी स्थिति इस खबर के बाद आ जाती है कि एक साथ 28 लाशें अभी तक निकाली जा चुकी हैं। उसके बाद भी बता रहे हैं 4 और शव निकाले जा चुके हैं, तो 20 से ऊपर अभी तक संख्या हो चुकी है। बताया जा रहा है कि 55 के करीब लोग थे, श्रद्धालु थे। और रात भर राहत बचाव काम की निगरानी कर रहे इंदौर के कमिश्नर पवन शर्मा ने कहा कि अब तक 31 शवों को बरामद किया जा चुका है, जबकि 3 शव अभी भी कुएं में हैं। सर्च ऑपरेशंस के दौरान अभी तक 31 बॉडीज आइडेंटिफाई की जा चुकी हैं और वो MY हॉस्पिटल भेज दी गई हैं, और 3 बॉडीज अभी और दिखाई दी हैं। तो लगभग 34 तक का आंकड़ा बॉडीज का जो हमने रिकवर किए सर्च ऑपरेशन के दौरान, वो है, टीमें अभी लगी हुई हैं। और मकरंद काले हमारे साथ जुड़ गए बेलेश्वर मंदिर से ज्यादा जानकारी के साथ। मकरंद, क्या अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? कितने लोगों के अभी भी अंदर घिरे होने की आशंका है? कब तक रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा किए जाने के बाद प्रशासन की ओर से कही जा रही है? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बताया जा रहा है कि अभी तक 34 लोगों की डेड बॉडीज मिल चुकी हैं। मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी ऑनगोइंग है और यहाँ आखिरी एक बॉडी फिलहाल ढूंढी जा रही है। जो 34 लोगों की जिनकी डेथ हुई है, उन सभी को अस्पताल, जो घायल है उनको और जो डेड बॉडीज मिली हैं उनको पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया है। अभी फिलहाल एक जो मिसिंग है उसकी तलाश की जा रही है, और ये आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, वही जगह है, वही स्पेस है जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ। और बहुत दर्दनाक हादसा मध्य प्रदेश के लिए रहे, पूरे इंदौर में रामनवमी के हवन के दौरान ये बड़ा हादसा पेश आया, जब एक आहुति देने के दौरान नीचे जो बावड़ी बनी थी उसके ऊपर एक स्ट्रक्चर था जिसके ऊपर हवन चल रहा था, और अचानक से आहुति देते वक्त 40 से ज्यादा लोग इस कुएं में गिर गए। 18 लोगों को रेस्क्यू करके तुरंत निकाल लिया गया, बाकी बहुत सारे लोग अंदर दब के रह गए, फंस के रह गए, और इसी वजह से एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चलाना पड़ा। बहुत ज्यादा मलबा था, बहुत ज्यादा गाद होने की वजह से परेशानी आई रेस्क्यू ऑपरेशन में। शुरुआती तौर पे 11 लोगों की डेड बॉडीज तो ऊपर मिल गई थी, लेकिन उसके बाद परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ती रही। जैसे जैसे मलबा हटाते रहे वैसे वैसे पानी एक बार फिर से ऊपर आ जाता था, लिहाजा बहुत ज्यादा परेशानी आई। NDRF SDRF की टीमें लगी, आर्मी की भी एक टुकड़ी को यहाँ पर मोर्चा संभालना पड़ा। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे, देखिए आर्मी के भी जवान यहाँ पर मौजूद हैं, आर्मी के भी जवान यहाँ पर मौजूद हैं, और देखिए यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो कर रहे हैं वो आर्मी की जो टुकड़ी थी उसको आखिर मोर्चा संभालना पड़ा, और यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग खत्म कर लिया गया है, आखिरी चरण में है। और
एक जो मिसिंग है उसकी बस बॉडी फिलहाल नहीं मिल ठीक है रिपोर्ट ठीक है मकरंद आप है, आपकी रिपोर्ट हमने देखी जो टोटल जिसमें ये पता चलता है कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो तकरीबन पूरा हो चुका है। हालांकि कुछ वक्त लग सकता है ये सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं अंदर कोई है या नहीं है। बहुत शुक्रिया मकरंद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।